क्लेमन टाउन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्लेमन टाउन थाना पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि क्लेमन टाउन के एक घर में पति पत्नी का शव बरामद हुआ है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह व्यक्ति मृतका का भाई है और पुरानी रंजिश के चलते उसने अपनी बहन और बहनोई का मर्डर किया था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हमने सीढ़ियाँ निकाल करके उसका उस जानकारी करी थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसकी जो कासिफ के जो पहली बीवी थी उसके बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, उसने भी इंतजार किया था। और दूसरा जो है इसका एक औषध अश्वत करके जो है इसके साथ का लड़का एक जो हैडा चलाता है, हैडा का मालिक है, उन दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके परिजनों का संदेह था कि ये जो शहबाज है इसकी भूमिका हो सकती है, तो उस पर हमने इसको फर्दर जानकारी करी। जानकारी करने पर जो है 12 और 13 की रात को एक वर्णाकार है उसका भी आने की जानकारी मिली। वो जो है आपका अश्वत का था, तो उसने भी बताया कि मेरी कार लेके गया था, उसका मोबाइल फ़ोन का लोकेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी जिससे कि इसकी भूमिका संदिग्ध मिली। फिर पूछताछ करने पर इसने अपना घटना को जो है उसमें ऊपर सही से घटना कैसे हुआ था इसको कारण